So hello everyone and welcome back once again to the channel. So the NABARD notification is now out and I hope your preparations are going well. In this video guys, I will tell you about the salary of a NABARD grade A officer. जब आप just join करते हो NABARD grade A as NABARD grade A officer, तो जो भी आपकी salary होती है हम उसके बारे में discuss करेंगे and I have a salary slip with me of the very recently joined NABARD grade A officer जिन्होंने last batch में ही join किया था, right? But before moving to the video, before moving ahead with the salary slip, let me ask you a question. Is money the only motivation in your life to work? क्या आपके life में केवल पैसा ही motivation है काम करने का? If yes, then you should change this attitude. Because ये ज़्यादा time तक work नहीं कर पाएगा. And if no, then you are going good. Because there are various other factors as well which should motivate you to work. अगर सिर्फ पैसे की वजह से आप काम कर रहे हो, तो ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे. But yes, at the same time, let me tell you this, that money is equally important. जो लोग ये बात कहते हैं ना कि यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये बेकार की बातें हैं. देखो, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है. पैसा तो चाहिए चाहिए, राइट? भूखे पेट कभी भजन नहीं हो सकता, ऐसा हमारे हिंदी में बोला जाता है. और भूखे पेट कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती, फिलोसफिकल बातें नहीं हो सकती. जब तक आपकी नीड्स, आपके वॉन्ट्स, आपके डिजायर्स पूरे नहीं होंगे, तब तक यू वोंट बी एबल टू वर्क एफिशिएंटली, राइट? आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार काम तो मैं कर रहा हूँ, शुरू में तो मजा आएगा, ठीक है मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद पैसों की तो एट द एंड जरूरत है. आपके बेसिक नीड्स, आपके वॉन्ट्स, आपके डिजायर्स को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? एंड इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू डिस्कस विद यू गाइज दैट वॉट इज द सैलरी दैट यू विल गेट आफ्टर गेटिंग रिक्रूटेड एज द NABARD ग्रेड ए ऑफिसर, राइट? तो बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं. देखो, ये जो सैलरी स्लिप है, दिस इज वेरी रीसेंट. दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून 2022 टू 30 जून 2022. वेरी रीसेंट, पिछले महीने की ये सैलरी स्लिप है. मतलब सैलरी तो इसी महीने क्रेडिट हुई होगी, राइट? तो इस तरीके का कुछ होता है सैलरी स्लिप. यहाँ पे द नेम ऑफ द ऑफिसर, जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो यहाँ पे आपका नाम होगा. हियर इज एम्प्लॉय नंबर देयर. देन उसके बाद सारी जो आपकी आपसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं सारी यहाँ पे गिवन होंगी, लाइक डिपार्टमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, पीएफ नंबर, पैन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. और लास्ट में वर्किंग डेज और जितने दिन आपने काम किया. नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरी स्लिप, ठीक है, जो आपके हाथ में सैलरी आती है उसकी बात करें अगर, तो द बेसिक सैलरी इज 28,150. बेसिक सैलरी कितनी है? 28,150. बट डोंट वरी, बेसिक सैलरी का मतलब बेसिक कॉम्पोनेंट होता है, और भी मिलता है इसके ऊपर, ठीक है. इसके बाद डियरनेस अलाउंस 33,987, लगभग 34,000 का डियरनेस अलाउंस है. उसके बाद बाकी सारे अलग 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 अलाउंस मिला के, लाइक सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल परक्विजिट अलाउंस, ये सारे अलाउंस मिला के जो टोटल अर्निंग होती है NABARD ग्रेड ऑफिसर की बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है. दिस इज विदाउट इंक्रीमेंट मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये पहली इंक्रीमेंट भी नहीं लगी है, शुरुआत में. दिस इज 84,640, दैट इज द टोटल अर्निंग. और अभी मैं कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जहां पे सैलरी स्लिप की वीडियो बना रखी थी किसी चैनल ने, तो उसमें गलत दिखा रखा था. टोटल अर्निंग 68,69,000 दिखा रखी थी, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है. वो पुरानी पे स्लिप हो सकती है, दिस इज द वेरी रिसेंट पे स्लिप. सो द टोटल अर्निंग ऑफ यू एज ए NABARD ग्रेड ऑफिसर विल बी 84,640 पर मंथ. ऑफकोर्स ये मंथली सैलरी स्लिप है, एनुअली तो नहीं है, राइट? सो द टोटल अर्निंग इज दिस. बट If you ask me that what is the in hand salary, because आपको इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना यार, बिना इनकम टैक्स दिए तो जा नहीं सकते. और ये सरकारी डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे कोई भी चाल नहीं चल सकते. अगर आप प्राइवेट ऑफिस में होते हो तो ठीक है, आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो, बट ये तो ऑलरेडी टीडीएस आपको काट के देते हैं, ठीक है. तो डिडक्शन पे अगर हम चले, तो डिडक्शन तो आपका होता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड या फिर एनपीएस, जो कि है अराउंड 7,614. तो ये तो आपके पास लौट के वापस आएगा. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इसके अलावा जो इनकम टैक्स आपका कटता है, दैट इज 8,000, अराउंड 8,500, दैट इज 8,469, ठीक है. लगभग 8,500 रुपए के आसपास आपका इनकम टैक्स कट जाता है. बाकी छोटे मोटे डिडक्शन है, लाइक प्रोफेशन टैक्स, हाउस रेंट रिकवरी, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह, तो छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन है, इन सभी का आपको फायदा भी मिलता है. सो बेसिकली जो आपके जेब से निकल के जा रहा है, दैट इज ओनली दैट इनकम टैक्स ऑफ 8,500. बाकी किसी ना किसी फॉर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, लाइक ये जो प्रोविडेंट फंड और एनपीएस का पैसा, ये तो मिलता ही है वापस, राइट? उसके अलावा जितने भी अलाउंस गवर्नमेंट, ये NABARD आपसे डिडक्ट करेगा, वो सारे
किसी ना किसी सर्विस के फॉर्म में आपको वापस मिलेगी, ठीक है। सो जो इन हैंड सैलरी आपकी बन जाती है, टोटल डिडक्शन हो जाता है 18,062, और जो इन हैंड सैलरी होती है आपकी दैट इज 66,578, राइट। 66,578 इज द इन हैंड सैलरी व्हेन यू ज्वाइन, व्हेन यू जस्ट ज्वाइन एज द नबार्ड ग्रेड ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हर साल इंक्रीमेंट होता है, फिर प्रमोशन भी होगा, तो ऑफकोर्स ये इंक्रीज होगा ही। एंड आई बिलीव दैट दिस इज अ वेरी हैंडसम सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। आई थिंक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो किसी भी स्टेट में अगर हम रह रहे हैं, किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो दिस मच सैलरी इज इनफ टू हैव अ डिसेंट लाइफ। सो आई थिंक NABARD is giving you the handsome salary and a beautiful opportunity to work at the ground level with the farmers and for the rural development of the country. So, agar aapke andar thoda bahut lagav hai for the agriculture sector and the rural sector, then go for this examination because aapke interest ke saath saath aapko isme paisa bhi theek thaak milne wala hai. 66,000 koi kam paisa nahi hota, that is more than enough to survive, theek hai, aur achhi life, not only survive, अच्छी लाइफ आपको इससे मिल सकती है। एंड ऑफकोर्स ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज दी इन हैंड सैलरी, और नीचे आपके बैंक की डिटेल्स वगैरह होती है, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे काट दी गई है, क्योंकि ऑफकोर्स आई कांट टेल यू द नेम ऑफ दैट ऑफिसर जिन्होंने हमें ये सैलरी स्लिप दी थी, राइट। सो दिस वॉज इट। सो द टोटल सैलरी, टोटल मंथली अर्निंग्स जो बिल्कुल जस्ट नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनते हैं, दैट इज 84,640, एंड आफ्टर डिडक्शन द इन हैंड सैलरी इज 66,578। तो आई होप द सैलरी इज क्लियर। तो जब आप नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे, अब आपको पहले से ही पता है कि आपके हाथ में सैलरी कितने आने वाली है पर मंथ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर एंड डू रिमेंबर माई क्वेश्चन। सिर्फ पैसे को मोटिवेशन मत रखना लाइफ में, पैसे के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो कि आपको मोटिवेट कर सकती है। लेट्स से कि अगर आप एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी हो कि आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं जीवन में, तो दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप करोड़ों तो नहीं कमा पाओगे अनलेस आप करप्शन कर दो, ठीक है। So I think this is clear. So I will see you in the next session. And jitne bhi sessions hain, wo shuru ho jayenge bahut jaldi. Jo like government schemes or ARD current already started. Iske alawa spotlight revision sessions will be started soon. And PIB 247 sessions will be started soon. Decision making ke sessions bhi hum aapke liye leke aayenge. So ek timetable bana liya hai almost. Wo aapke sabhi ke saath share kar diya jayega very soon. Theek hai. So thank you so much for watching. Goodbye. Take care. And God bless.